Tudi age al da samari. Jeo pind sab tera ko nanak sab teri vadhai koi naam na jaane mera. Aadin ka ji chimar ke guru nanak le kya hai. Phir angad te guru madas ram das se hoi sai. अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री आलाए श्री आचरण ते आई जिद छे सतुख जाए श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों ने दावे ताए दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब छाई होना सहाय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए तन तन सतगुरु बालक सिंह साहब सिमरिए जिन्हें धर्म दा मार्ग दिया बताए तन तन सतगुरु सिंह जी तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए तन तन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम चौन या चढ़ाए तन तन सतगुर साधु राम साहेब जी जिन चरणी याद गाए तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब जी जो अंग संग होए साहे निमानिया दे मान सतगुरु नीतानिया दे तान सतगुरु नियो ज्ञान दियो त्रियाचियों के आसरा नील ज्ञान दी लज निपत्यां दी पत गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगता कतर होके आप दे चल कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर ज्ञान पाशा कीता लूड़िए कम सुहर प्यार किए काले जय सुहार सतगुर सच साखिए संतां संग निधान अमृत जाखिए पै पंजन मेरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए आप जी जे मां वाक अनुसार आप जी जो आसरा लै आप वेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जान संगतां दे हिरदे चुरसाने बख्शे ते रामता करनी आप आजा आप इन्हां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजरियां बख्शनी आप आजा बख्शिश ना विछड़ी ना विछाणी ना भुली ते ना भुलावी जनां दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागरण बख्शना इशनान का दान बख्शना दोनों कदम चने बख्शना स्वास स्वास भजन करने की ताकत बख्शनी आपने सुसाहब के सचन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ बख्शियाँ बख्शे तेरे अमतां करनिया सर्वत संगत दे पातशाह जी अदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तो त्याई बख्शिश करनी है आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली वचीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी दा दिन खुदा बतावना सही सजन मेलना जिन्हां मेरिया उच्चा सुचा नाम चेता हो श्री गुरु नानक नाम चल जी कला तेरे पानी चल बच का पला तारे जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के आ तिन जमनेड़ नाया तारे जान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के आ जिन जम नेड़ नाया
तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ ना तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ ना तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ ना तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ ना तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ ना
तारे जान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया जिन जमनेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निरवैर निर सतगुर सेवा सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग साहिब संत माता जी ने किता है कमाल सारियां नूं इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जप दे नाम जपां दे यह इनां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तों बलियार तन तन छेवें पातशाह दे जावा चरना तों बलियार तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तों बलियार जावा चरना तों बलियार तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट दंडोत वंदने अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे करे हाथ होए सिफत खसम दी नूरे हर सो कुर सो चटिए तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे मेरा मन तीर तारे जान लिया विमान जिनी दर्शन जिनी तुदनू तन कहया तिन जम नेड़ नाया जिनी तुदनू तन किया तिन जन नेड़ नाया एक्योंकार सतगुर प्रसाद धन धन श्री सतगुर बालक सिंह साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहेब सचे तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहेब
सुचे पात तन तन श्री सतगुरु भगवान दा साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु सेवा राम साहेब सचे पातशाह तन तन साहेब संत माता जी आप जीनो कोट कोट नमस्कार। ता भाई धनी राम जी ते बाबा नारायण साहिब जी भाई तोता जी ते भाई लज्जा जी जब्बी मंदोरियां वल टुर पे। जिस वेले जब्बी मंदोरियां पहुंचे ता अगो जब्बी मंदोरियां दा इब्राहिम खान मिलिया। उसने बाबा नारायण साहिब जी नू सलाम आखी। ता अगो बाबा नारायण साहिब जी ने आख्या जो सत सलामा मेरे सच्चे साहिब नू। ता इब्राहिम खान ने पूछा जो साढ़े बाबा जी राजी सन, मैं तो उन्होंने दीदार तो बिना तड़फ रहा हाँ, क्यों जो मैं जिस दिन बाबा जी दे दीदार कर लैंदा हाँ तो मैनू यही मालूम होंदा है जो आज अल्लाह पाक दे दीदार हो गए हैं। तो बाबा नारायण साहिब जी ने आख्या खान जी बाबा जी तो आई 9 दिन हो गए हैं जो बरोठे साहिब तो तू साडे पिंड विच आए हुए हैं ते तुसी आखदे हो जो असी उन्हां दे दीदार तो बिना तड़फ रहे हाँ। असी तो उन्हां दी खबर लैण वास्ते आए हाँ जो अज 9 दिन बाबा जी नूं जब्बी मंदोरियां गया हो गए हैं ते हुण तिकण क्यों नहीं आए, की कारण है। तां इब्राहिम खान ने आख्या जो जी ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਟੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਸੋ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡ ਕਰੀਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਵੀ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਹ 4 ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ते बेसुधी दी अवस्था विच कड़म करदा होया जमीन ते टठा। ऐ हाल वेख कर भाई धनी राम जी आश्चर्य हो गए ते आखन लगे, जो असी भी अपने आप नू सिख खवाउंदे हाँ, पर धन श्री सतगुर बाबा संगता साहिब जी हन जिन्हां ने एक मुसलमान पार दी धरती दा रहण वाला ते खान उस विच अपने चरणा दा प्रेम किस तरह कुट कुट के पार दिता है, जो असाडे विच नहीं। ऐ गल्लां सुनकर फिर सारियां दियां चीकां निकल गईयां ते गछ भर गए, पर फिर अपने आप नू संभाल कर इब्राहिम खान दियां तलियां चसियां ते उस नू होश विच आंदा तां सारियां सलाह कीती, जो हट्टी ते चल कर पता करिए जो बाबा जी किथे गए हन। उत्थों आपे पता चल जासी। दिन गर्मियां दे सन, सारियां नू प्यास ने भी घबराया होया सी, पर बाबा जी दे विछोड़े दी जेड़ी प्यास लगी हुई सी ओ शरीरिक प्यास कोलों डाढ़ी सी। सो सारे सलाह करके हट्टी ते पहुंचे। अगे की वेखन, जो हट्टी दा बुआ अंदरों बंद है। आंडियां गुआंडियां तो पुछया तां उन्हां आख्या, जो अज 8-9 दिन होए हन, जो एक दिन हट्टी दा बुआ बाबा जी ने खोलिया सी, फिर उस दिन तो हट्टी दा बुआ बंद है। असां कोल आण कर नहीं डिठा जो बुआ अंदरों बंद है या बाहरों। ऐह गल सुन के इब्राहिम खान तां लगा अपने आप ते लांता पावन, ते मूँह विच्चों ये गल आखी जावे, जो या खुदा तेरियां गल्लां तू ही जाने जी, मैं ता भारी गुनाहगार हाँ, जो हट्टी टिकण भी नहीं पहुँच सकिया, जेकर सचमुच मैनू दीदार दी दिलों चाह होंदी ता मैं लोकां दियां ये गल्लां ना सुनदा, जो बाबा जी बरोठे साहिब वापस चले गए हन। मैं आप आए कर हट्टी तो पता करदा, हट्टी ते पता करदा तां जरूर मैनू सच्चे महबूब दे दीदार हो जांदे। ऐ गल्लां आख कर इब्राहिम खान रो पिया, ते बाबा नारायण साहिब जी ते भाई धनी राम जी दियां अखियां तो भी जल बह तुरिया। तां भाई धनी राम जी ने आख्या, जो हुण कोई छेती उपराला करो, जो गर्मियां दे दिन हन ते अज 8-9 दिन बाबा जी नू अंदर समाधि लाया हो गए हन, तां लगे सारे आवाज़ा मारन उच्ची उच्ची आवाज़ नाल, बाबा जी करके पुकारन ते बूहा भन्नण, पर अगों आवाज़ कोई ना आवे। इधरों सारियां नू प्यास ने डाढ़ा तंग कीता होया सी ते उधरों अंदरों आवाज़ कोई ना आवे। इस दशा विच फिर सारियां दियां चीकां निकल गईयां। पिंड दे पठान वेख वेख कर हैरान होंदे जावन ते आपस विच आखन, जो है आदमी भी अजब रंग दे हन, जो अज 8-9 दिन तो बाबा जी अंदर कुंडा मार के बैठे हन, ते गर्मियां दे दिनां विच ओ किस तरह अंदर जीवंदे रह सकदे हन। पर इब्राहिम खान दे डरदे मारे मूँह विच्चों कुछ आख ना सकन,
ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲੁਹਾਰ ਬੁਲਾਏ ਘਰ ਪਟਵਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਪਠਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਪਠਾਣ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬੂਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਟਵਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸੁਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਰ ਸਲਾਮ ਆਖੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚਰਨ ਠੰਡੇ ਸਨ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਜਦ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾਲੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋਸ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤਪਾਰੀ, ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਮਰੀ ਔਰ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਕੋਵੈ, ਪੇਟਤ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਸਦਾ ਜਪੋ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਾਰੋ, ਇਹ ਮਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਤਾਰੋ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਰਬਮਯਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਸਦਾ 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 ਪੇ ਹੋਈ, ਚਲੇ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਓ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੌ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੀ
मेरा जीवन है। पाव जेकर खबर मिलती रहती है जो तू अपनियां प्यारियां संगतां नूं मिठे मिठे वचन सुना कर निहाल कर रहा है। ऐसो जब मेरे कन्नां तक पहुँचती है तो मेरे अंदर इतनी खुशी आती है जो मेरे जीवन का आधार हो जाता है। हे मेरे प्रीतम जी, तू चोजी ठाकुर भारा है, तू अपने कौतक आप ही जान जी। पातशाह जी, सानू तां तेरी ही ओठ है, क्यों जो तू गोपाल जो होयो, पाव तू सारी सृष्टि दी पालना करन वाला है जी, तां ते साड़ी भी रखिया कर। दीनानाथ जी, जेकर तेरे गुण तेरा जस करदे रहिंदे हाँ तां मन हरिया रहिंदा है, नहीं तां सुकदा है। जिन्हां जिन्हां जीवां भी तेरी कथा सुनी है ते सुन कर मनी है, उन्हां दी सारी मैल दूर हो गई है, वह हुण निर्मल हो गए हैं, पाव मैल तो रहत हो गए हैं। हुण मेरी भी या दिल मेरा भी या दिल करदा है जो तेरियां चरणां नाल पिट जावां ते सदीव काल तेरा ही जाप करां, क्यों जो तू दयालु गुरु जो होयो, हुण तां मेरा या दिल करदा है जो अपने सच्चे सतगुरु जी दे नाम दी मैं स्वास स्वास संभाल करां। पर पातशाह जी, एह मत तेरे चरणा दी खरैत मेरे पुले हुए मन ने धारण कीती है, तेरी बख्शिश द्वारा ही जेड़ा मेरे अंदर परमा दा हनेरा सी ओ दूर होया है ते तेरे नाम दा प्रकाश होया है। प्रतिपालक पिता जी, तू ता सारियां ते इस तरह मेहरबानगी करदा है पर प्रकाश तेरा उत्थे आउंदा है, जेड़े आखदे हन एहा मेरा सतगुरु जी सत है सत है, इस तो बिना होर प्रभु कोई नहीं। ओ सेवक अपने तनो मनो यह आखदे हन जो साडा सच्चा सतगुरु सदीव काल चला आया है ते सदीव काल चला वैसी। पातशाह जी, मैं तां यही बेनती करसा जो जेड़े चलित्र भाव कौतक तुसा कीता होया है ऐ अज दे नहीं ऐ पिछों दे चले आए हन ते अगों चले वैसन, जिन्हां जिन्हां ने ऐ तेरे कौतक डिठे हन ते जिन्हां ने ध्यान लाए कर सुने हन, ओ निहाल हो गए हन जी, क्यों जो जेड़ी चीज प्रगट हो जावे वो किस तरह छाप सकती है जी। हुण किरपा करो ते अपने सेवकां नूं देह विच होए कर दर्शन देवो जी। जद इस तरह की निम्रता भरी बेनती भाई धनी राम जी ने तनो मनो होकर कीती तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दसवें द्वार तो देह विच आए, पहलों श्री सतगुरु जी दे सज्जे चरण का अंगूठा हलिया, फिर ओले ओले सारा शरीर हलिया। इस तो पिछों श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी बड़ी मध्यम आवाज़ नाल बोले ते रस्ता तो आख्या जो अज तां कुछ होर मंगदे। श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे पुरातन सेवकां दे दर्शन हो गए हैं।
श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी भाई धनी राम जी दी बहुत तान रखते सन। यह गल सुनकर भाई धनी राम जी चरणा ते टह पिया ते आखन लगा जो गरीब निवाज जी हुण श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चा पातशाह जी तू ही है होर दूजा कोई नहीं जी। मैनू अपने घर का सेवक जानो जी, मेरे ते ही मेहर करो जो मैनू दूजा स्वरूप नजरी ना आवे जी। जद इस तरह की बेनती भाई धनी राम जी ने की तो श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने भाई धनी राम जी नू गल नाल लाया ते रसना तो आख्या जो एहो जे लाडलियां दे अंदर ही मेरा सच्चा पातशाह श्री सतगुरु बालक सिंह जी ही वसदा है। तो भाई धनी राम जी ने बड़े वैराग विच होकर फिर आख्या जो दात्या हुण मैनू भुला नहीं, हुण तू मेरे ते ही मेहर कर जो तू ही मेरे हिरदे च विच वसे ते तू ही श्री सतगुरु बालक सिंह जी हैं। ये बेनती सुनकर श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने भाई धनी राम जी नू थापी दिती ते रस्ता तो आख्या जो निहाल निहाल सिखा निहाल। इस तो पिछों बाबा नारायण साहिब जी ते भाई तोता ते भाई लज्जा आदक सिखा ने मत्था टेकया ते बोत रुदन कीता। बाबा नारायण साहिब जी ने तो आख्या जो लाला जी तुसी सानू क्यों भुला छोड़दे हो, आज 8-9 दिन तो संगतां विलाप कर रहियां हन, तो सानू तो जिथे रवो उत्थे ही आनंद है, पर साडा राखा पिछों कौन होवे जी। तां श्री सतगुरु जी ने आख्या नारायण असी राती बुआ मार के ज्यों सुते फिर सानू कोई पता नहीं रहा, हुण तुसां उठाया है तां असी उठ बैठे हाँ। ये गल सुन के इब्राहिम खान बोल उठिया ते आखन लगा जो हे वली खुदा दे ए छपांदरा तू साडे कोलों ना कर, तैनू सब कुछ पता है, तू सदा ही जागदा है ते जागदा रहसे, असी गुनाहगार बंदे जेड़े माया दी मस्ती विच सुते होए हाँ तेरी पछाण नहीं कर सकते। ऐ गल आख के इब्राहिम खान श्री सतगुरु जी दे चरणा ते टह पिया ते मूँह विचों आख्या जो मेरी खता माफ करो जी, जो तुसी आज 9 दिन तो मेरे पिंड विच आए हुए हो ते मैं तो साडे दीदार नहीं कर सकिया जी। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने इब्राहिम खान नू भी थापी दिती ते आख्या जो खान तू अखियां वाला है, तेरी खता कोई नहीं, तू खुदा दी दरगाह विच बख्शिया होया है। ए वचन सुनकर इब्राहिम खान दा लूं लूं खुश हो गया ते खुशी नाल इब्राहिम खान दे अथरू वग पे। पिंड दे पठान एह कोतक श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दा वेख कर आश्चर्य हो गए, सारे आखन जो या खुदाया तो दुनिया विच किस किस तरह दे वली पैदा कीते हन। तद बहुत सारे पठान श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी नू सलाम करन आए।
सारे आखो तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहेब जी। इस पिछों कुछ दूध श्री सतगुरु बाबा संगता साहेब जी नू पिलाया ते फिर ब्रोठे साहब वाल टूर पे इब्राहिम खान पठान भी नाल गया। अगे ब्रोठे साहेब वाली संगत उड़ीक विच बैठी हुई सी। ज्यों ही उन्होंने श्री सतगुरु बाबा संगता साहेब जी नू आमदियाँ डिठा उन्हां दी खुशी दी कोई हद ना रही। ब्रोठे साहेब जी तो बाहर ही सारी संगत ने शब्द पढ़ने शुरू कर दिते। ढोलकी छैणिया दियां कनकोरां ने तां आकाश नू गुंजा दिता। श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी कोल पहुँच कर सारिया ने वारो वारी मथा टेकिया ते सारे आखन जो अज साढ़े धन भाग हन जो सच्चे सतगुरु जी दे दर्शन होए हम। सो इसी तरह श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी का जस करदे करदे ते शब्द पढ़दे पढ़दे धर्मशाला विच पहुँच गए। जब धर्मशाला विच पहुँचे तां माता संभो जी ने भी आए मत्था टेकिया ते बहुत वैराग कीता ते आख्या जो लाला जी तुसां सानू भुला ही छड़िया है। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने माता संभो जी नूं धीरज दिता। फिर भाई धनी राम जी ते बाकी पार वाली संगत ने बेनती की जो गरीब निवास जी एक शब्द दी कथा सुनाओ जी। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने इस शब्द दी कथा की। गौड़ी गौरेरी मला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन घर में राख्या जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई तिस प्रभ को आठ पैर त्याई रमैया रेन साध जान पाओ गुर मिले अपना खसम ते आओ राओ जिन कीता मूड़ ते बकता जिन कीता बेसुरत सुरता जिस प्रसाद नवे निध पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाई जिन दिया निथावे को थान जिन दिया निमाने को मान जिन कीनी सब पूरन आसा सिमरो दिन रैन सास गिरासा जित प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिखाटी कहो नानक किस्ते किछ नाई राखन हारे को सालाई। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने दस्या जो श्री सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी संसारी जीवन लई इस शब्द विच दसदे हन कि हे बंदे जिस सतगुरु जी ने तैनू मिट्टी तो अपना सोहना नाम देकर रतन बना छोड़िया है जिस दाते ने माता दे गर्भ विखे एक नाम दे जतन नाली तेरी रख्या कीती है जिस सतगुरु जी ने संसार विच तैनू शोभा ते वड्याई बख्शी है तां ते हे प्राणी तू आठ पहर उस दाते दा स्वास स्वास सिमरन कर किसी लाडले सेवक दी मिन्नत कर जो तैनू श्री सतगुरु जी दे चरणा दी प्राप्ति हो जावे।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰਹਿਤ ਅਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸੁਰਤ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਨਿਥਾਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਇਤ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੇਰ ਕਰ, ਜੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਧ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਬਿਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਣੀਆਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਘੀ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੱਠੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਪਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ
सारी पार दी संगत आपो अपने घरां नूं टुर गई। साखी पूरी होई एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन श्री सतगुरु बालक सिंह साहेब सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री सतगुरु बाबा संगता साहेब सच्चे पातशाह जी। एक दिन भाई अमर सिंह ते भाई जवैरी हजरों साहिब जी तो बरोठे साहिब विच श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दे दर्शन लई आए। अगे श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दरिया तो वर्तन करके धर्मशाला विच कथा करन लगे सन, जो भाई अमर सिंह ते भाई जवैरी ने जाए मत्था टेकिया। तां श्री सतगुरु जी ने भाई अमर सिंह ते भाई जवैरी नूं कुशल आनंद पुछया ते आख्या, जो आज धन पागन जो श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे लाडलियां दे दर्शन होए हन। तां भाई अमर सिंह जी ने आख्या, जो सच्चे पातशाह जी हुण श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चा पातशाह जी कोई होर भी है? तू ही श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चा पातशाह जी है, हुण साढ़े ते यही मेहर कर जो असानू दूजा नज़र ना आवे। तां अगो श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो जैसी जैसी जिस दी भावना होंदी है उस दी श्री सतगुरु जी पूरी करदा है, पर तुसी फिर भी मेरे सच्चे प्रीतम दे शहर दे हो। तां भाई अमर सिंह जी ने आख्या, जो गरीब निवाज जी मैनू तां ही नज़र बख्शो जो कदे भी शहर ते पिंड विच दूजा नज़र ना आवे जी। ऐ गल आ के भाई अमर सिंह फिर चरना ते टठा ते बहुत वैराग कीता। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने अपने हत्थां नाल चरना तो उठाया ते रसना तो आख्या, जो सिखा निहाल निहाल तेरी भावना श्री सतगुरु जी पूरी करे। इस तो पिछों इस शब्द की कथा हुई। माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, खार कमावा जे तुद पावा, जा तू दे दयाला जियो। प्रभ हम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना, जिथे रखे बेकुंठ तिथाई, तू सबना के प्रतिपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जियो। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने आख्या, जो इस शब्द में श्री सतगुरु अर्जन देव जी दसदे हन, जो जिन्हां सिखां दे अंदर
श्री सतगुरु जी दे चरणा दी प्रीति हो जाती है। वो आखते हैं जो गरीब निवास जी, हुण मन भी तेरा है ते तन भी तेरा है ते तन भी तेरा ही दिता होया है सच्चे पातशाह सतगुरु जी, हुण तू ही मेरा ठाकुर स्वामी है ते प्रभु है। दात्या ऐह जियो पिंड भाव शरीर तेरा ही दिता होया है, जिम भावी इस कोलो कम लै। हे गोपाल, सृष्टि की पालना करन वाले मैनू तो हूँ तेरा ही जोर है, क्यों जो तू सदीव काल सुखां दे देने वाला है। मेरा चिंत ता मेरा चित्त यही करता है जो निव निव के तेरी ही पैरी पवां। पातशाह जी मेरे कोलों ओ कम होवे जेड़ा तैनू भावे, पर दयाल पर दयालु गुरु जी ये गल तेरी कृपा द्वारा ही हो सकती है। हे प्रभु जी, तेरिया बख्शिशां दा मैं सदा ही लैंदा आया हाँ, क्यों जो मेरी होर हुण थां ही कोई नहीं जी। इस वास्ते मैं तेरे कोलों लैणा है ते तुद बख्शिश करनी है। पातशाह जी मेरा तां हुण गहना भी तू ही है, पाओ मेरे मन दा शिंगार, क्यों जो मैं ज्यों ज्यों तेरा नाम जपदा हाँ मेरा दिल खुश होंदा है। इस वास्ते तू ही मेरा गहना भाव शिंगार है। हुण तां मैं ये आखदा हाँ कि जो कुछ तू देवे उसी भी सुख है। पातशाह जी जिथे रखे उत्थे ही बैकुंठ है, क्यों जो बैकुंठ तेरे वचना विच है ते तेरे हुक्म विच। जिथे रहना पवे उत्थे ही बैकुंठ होया। सो दात्या तू सारयां दी प्रतिपालना करने वाला है, इसी वास्ते मैं भी तेरा नाम सिमर सिमर कर सुख नूं प्राप्त होया हाँ। हुण तां इह दिल करदा है जो अठ पैर तेरा ही जस करदा रवां, सोण तेरी मेहर द्वारा मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। हुण दुखां दा नाम भी नहीं रहा, तेरी मेहर नाल ही 84 दे दुख दूर हो गए हैं। जादे शब्द की कथा श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने की, भाई अमर सिंह जी ने गल विच पला पाए कर ते हाथ जोड़ कर श्री सतगुरु जी दे चरणा विच बेनती की। जो गरीब निवास जी अजकल भी कोई अजिहा सिख है जिन्हों के लक्षण इस शब्द विच आए हैं, जो हुणी कथा विच आपने दसिया है, जो सिख तन भी मन भी तन भी ते शरीर भी श्री सतगुरु जी दे चरणा तो कुर्बान कर छोड़े, यह किसी सिख ने करके दसिया भी है कि नहीं। ता श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने आख्या, जो भाई अमर सिंह जी जेड़ी श्री सतगुरु जी दी बाणी श्री दरबार साहब भी लिखी हुई है, ए अखर अखर वरतों विच आई हुई है। असी तुसानू श्री सतगुरु नानक देव जी दे वेले दा एक सिख दा प्रसंग सुनांदे हां, जो सचमुच उसने एक एक अखर दा पाओ पूरा कीता है। सिख भी कोई निर्धन सिख नहीं सी, मुल्कां दा राजा सी, जिसका नाम राजा शिवनाभ सी। सो तुसी हुण उसका प्रसंग सुनो।
तो सानू आपे प्रतीत होए जासी। लाहौर शहर दा एक बाणिया सिख जिसका नाम भाई मनसुख सी, जो समा पाए कर उस संगलादीप विखे जहाज लेकर राजा शिवनाभ भी नगरी विच गया। राजा शिवनाभ दी नगरी विच गया, जितने लोग राजा शिवनाभ दे शहर विच रहन वाले सन वो सब आपो अपने कर्मां विच रुझे हुए सन, पाओ पूरे कर्म कांडी सन। राजे शिवनाभ ने इत्थों तीक हुक्म दे छोड़िया सी जो एकादशी वाले दिन किसी दे घर अग ना बले, जेकर कोई अग बल सी तां वो बंदी खाने विच दिता जा सी, भाव सारा शहर वरत एकादशी दा रखदा सी। हुण उस बाणीए सिख नूं भी एकादशी राजा शिवनाभ दे शहर विच आई, तां उस बाणीए ने श्री सतगुरु नानक देव जी दे चरणां दा ध्यान करके अग बाली ते प्रसाद तैयार कीता ते स्वाद नाल छकिया। ऐ गल सारे शहर विच तुम गई जो एक बाणिया पंजाब देश तो आया है ते उसने एकादशी वाले दिन अग बाली है ते प्रसाद तैयार करके छकिया है। सारिया दे मूँह विचों यही गल निकले जो उसने भारी अपराध किया है, जो एकादशी का वरत त्रोड़ दिता है ते नाले राजे का हुक्म उलंघन किया है। पर ऐ खबर पहुँचद्या पहुँचद्या राजे तीकण पहुँची, तो राजे ने उस बाणिए सिख नूं सदवाया ते आख्या जो तुद अज भारा अपराध किया है, जो एकादशी का वरत नहीं रखिया ते नाले मेरे हुक्म का उलंघन किया है। तो उस बाणिए ने आख्या जो राजा जी तुसी एकादशी किसनू आखते हो? तो राजे ने आख्या जो तेनू इतना भी पता नहीं एकादशी वाले दिन सारे वरत रखते हैं, किसी दे घर अग नहीं बलदी, पक्का भोजन पान नहीं करते ते कच्चा भोजन खाते हैं। तो उस बाणिए ने आख्या जो राजा जी इस तरह तो मैंने एकादशी का वर्त पक्का रख्या होया है। जेड़ी गल मैनू अपने सच्चे सतगुरु नानक देव जी ने दसी हुई है मैं उसते पूरा वरत रख्या होया है, ऐ वरत तो मेरा पक्का है। बाकी पक्का भोजन खाना ते कच्चा भोजन खाना ये इस गंदे जीव दे अंदर सब विष्टा बन जाता है, कि कच्चा ते की पक्का। जद सच्चियां सच्चियां गल्लां बाणिए सिख दियां राजे ने सुनिया तां राजा समाई ना कर सकिया ते बोल उठिया जो इसों बंदी खाने विच लै जाओ, नाले हुक्म उलंघन करदा है ते नाले अगों गल्लां मड़ांदा है। सो बाणिए सिख नू बंदी खाने विच लै गए। बाणिया सिख भरोसे वाला सी, जरा ना डोलिया ते एक वरत जेड़ा उस तों श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दस्या होया सी उस ते पूरा नास रख के अपने अंदर आखन लगा जो गरीब निवास जी जिस तरह तेरी रजा। हुक्म अकाल पुरख जी दे नाल उसी दिन एक गऊ एक जगह खोबण विच खुब गई, गऊ खोबण विचों निकले नहीं। ऐ खबर राजे तिकण पहुँची, राजे ने बतेरा वस लाया
पर गऊ ना निकली। तद हार के राजे ने यह प्रण किया, जो जाति कण गऊ ना निकली मैं प्रसाद नहीं खाना। यह गल सारे शहर भी तुम गई। वड्डे वड्डे पंडित आए, होर जेड़े जेड़े महात्मा शहर विच रहिंदे सन सद्दे गए। सारे अपना अपना जोर लाया पर गऊ ना निकली। कईआं पंडितां ने तां आख्या जो 101 दा वरत जिसने शुभकामना सहित रख्या होया होवे ते ओह हथ गऊ नूं लावे तां गऊ निकलेगी। सो इसी तरह कईआं महात्मा ने आणकर गऊ नूं हथ लाए पर गऊ ना निकली। इसी तरह दो चार दिन गुजर गए। सारे शहर विच यह गल तुम गई, जो हुण राजे दा बचना औखा है, क्यों जो गऊ ने निकलना नहीं ते राजे ने अपने प्राण अनुसार प्रसाद नहीं छकना ते आखर राजे दा अंत हो जामना है। यह खबर पहुँचदी बंदी खाने विच भी उस बाणिए सिख दे कन्ना तिकण पहुँची। तां उस बाणिए सिख ने आख्या जो राजे नूं आखो जो जेड़ा मेरा सच्चा सतगुर है उसका तनो मनो सिख हो जावे तां गऊ बाहर निकल आवसी। जद यह खबर राजे नूं पहुँची गरज निहारी होंदी है। उसी वेले उस सिख नूं बुलाया तां ओह बाणिया सिख बहुत गंभीरता विच राजे को लाया। जिथे गऊ फसी हुई सी तां उस राजे ने आख्या जो गुरु के प्यारे जेकर तेरे विच कोई समर्था है तां इस गऊ नूं बाहर कढ, फिर तू जिस तरह आखसे मैं कर सां। तां उस बाणिए सिख ने आख्या जो राजा जी मेरे विच समर्था काई नहीं पर मेरा सतगुरु बहुत वड्डा है, करन कारण है, जे कृपावस ए तां खुबी होई गऊ है ओ तां मोई हुई नूं भी जवाल सकदा है। तां राजे ने आख्या जो ऐसा है तां रब दे वास्ते छेती उसदे चरणां विच बेनती कर जो गऊ बाहर निकले ते मेरी जान बचे, क्यों जो भुख दे नाल मेरी जान निकलदी जांदी है। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਆ ਕਰ ਗਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਗਊ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਤਕ ਵੇਖ ਕਰ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਟੱਠਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ जो अपने गुरु दे वास्ते मेरा अपराध खिमा कर, मैं लोकां दे भड़काने ते तुसानू बहुत दुख दिता है जिस दे बदले मैनू भी कष्ट उठावना पिया है। हुण किरपा करके मैनू भी उस सच्चे सतगुरु जी दे चरणा विच लै चल ते नाले मैनू ए दस जो किथे रहिंदा है। तां उस बाणिए सिख ने आख्या राजा जी मैं की आखां, मेरा चोजी सतगुरु हर जगह विच रहिंदा है, इत्थे भी है उत्थे भी है, तेरे विच भी है ते मेरे विच भी है, पर इंज श्री सतगुरु जी दा प्रकाश राए पोहे दी तलवंडी पंजाब देश विच होया है। तां राजे ने आख्या जो उन्हां दा नाम की है। तां उस बाणिए ने दस्या जो जी उन्हां दा नाम श्री सतगुरु नानक निरंकारी है। तां राजे आख्या जो हुण तुसी किरपा करके
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਰ ਉਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਹੋ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਾਣੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕਰ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੇਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਆਵੇ, ਉਸਦੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਧ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕਰ ਆਏ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਖੇ, ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ। ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਣ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਏ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਵਣ ਲੱਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੋਏ ਕਰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੇਖੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਣਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੇ ਜਾਏ ਕਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਆਖ ਕਰ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਵਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਏ ਕਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੱਠਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਕਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਚਮਕਾਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਆਣ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਡੁੱਸ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹੈ ਕੋਤਕ ਵੇਖ ਕਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤ੍ਰੈ ਸਾਧ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਬੇਸੁਦੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਭਕ ਉੱਠਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਬਾਗ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਤ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਝੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕਰ ਬਾਗ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
वजीर जाए कर की वेखे, जो बाग सचमुच हरिया हो गया है ते त्रै साध बैठे हुए हैं जिन्हां विचों एक कीर्तन कर रहा है ते दो समाधि लाए बैठे हुए हैं। जो वजीर ने जाए मथा टेकया ते राम राम आखी, राम राम दा नाम सुन के श्री सतगुरु नानक देव जी ने मूह तो पला लाया ते वजीर नू दर्शन दिते। वजीर दर्शन करके निहाल हो गया, दिल नू कोई ठंड जई पासी। फिर वजीर गल विच पला पाए कर बेनती करन लगा, जो साज जी भोजन तैयार है जी, अचवो जी। तां श्री सतगुरु नानक देव जी ने आख्या, जो ऐ भोजन किसने भेजिया है? तां वजीर ने आख्या, जो जी ऐ भोजन राजा ने भेजिया है। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो है भोजन साढ़े काम दा नहीं, असी तां मनुख दा आर करदे हाँ। ऐ गल्लां सुन के वजीर डरिया ते आखन लगा, जो मैनू भी बहुत मुद्दत होई है, एहो जिहा साध मैं कोई नहीं डिठा। जो जेड़ा आखे जो मैं मनुख दा आर करदा। पर फिर वजीर ने राजे दे हुक्म अनुसार ज्वाराता भेटा कीती, जो श्री सतगुरु नानक देव जी ने आख्या, जो ऐ पत्थर साढ़े किसे काम नहीं, ऐ राजियां कोल ही शोभा पाउंदे हन, असी फकीर लोग हाँ, ऐ इत्थों उठाए कर लै जाओ। ऐ गल वेख कर वजीर होर भी हैरान होया, जो अज तक जितने साध आए हैं माया वालों किसी मूँह नहीं मोड़िया, ते हुण असां बहुत कीमती ज्वारात भेटा रखी है ते यह पत्थर रखते हैं। इस तो पिछों वजीर मथा टेक कर आप पासे हो गया ते बहुत सुंदर अफसरां श्री सतगुरु नानक देव जी नू मोहन लई भेजिया। पर वजीर विचारे नू की पता सी, जो जिस दी पैदा कीती हुई चीज होवे उसका बल पैदा करन वाले ते कद हो सकता है, क्योंकि पैदा करन वाले नू उस चीज़ दे हरे गुण का पता होंदा है। सो हुण सुंदर सुंदर अफसरां ज्वाराता नाल भरपूर कीतियां होईयां श्री सतगुरु नानक देव जी दे चरणा विच पहुँच गईयां ते लगियां आपो अपने हाव पाव दसन। तां इन्हां अफसरां दे परथाएं श्री सतगुरु नानक देव जी ने एक शब्द उचारिया, जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बेसार गिरै देख पीत, मनुआ डोलै चीत अनीत, जग स्यों टूटी झूठ परीत, काम क्रोध बिग बजर पार, नाम बिना कैसे गुण चाराओ, कर बालू का कुमन केर, बरखस बाणी बुध बदाहेर, मात्र बूंते तार चक फेर, सर्व ज्योत नामे की चेर, सर्व पाए गुरु सिर मोर, भगत करो पगला गो तोर, नाम रतो चाहो तुजोर, नाम दुराए चले सो चोर, पत कोई बिखन चल पाए, साच नाम रतो पत स्यो कर जाए, जो किछ कीनस प्रभु रजाए, पैमान है निरपो मेरी माए, कामन चाहे सुंदर पोग, पान फूल मीठे रस रोग, खिले बिकसे ते तो सोग, प्रभ शरणागत की नस होग, कापड़ पैरस अधि
अधिक सिगार, माटी फूली रो बिकार, आसा मन सा बांधो बार, नाम बिना सुना कर बार। गाछो पुत्री राजकुमार, नाम पढ़ो सच दोत सवार, प्रियो सेवो प्रेम धार, गुर शब्दी बिकते आस निवार। मोहन मोलिया मन मोए, गुर के शब्द पछाना तोए, नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा तार। जन्म साखी भाई बाले वाली विचों पन्ना 406। तां श्री सतगुरु नानक देव जी ने आख्या, जो जगत सारा कौए दी न्याई है। कौआ क्यों, जो कौआ सियाणा बहुत आउंदा है, पर खाज उसका विष्टा गंदियां चीज़ा हैं। इसी तरह संसारी जीव भी सियाणप बहुत करते हैं, पर अपनी सियाणप विच आकर नाम नू भुल जांदे हैं, ते उस कौए दी न्याई विष्टा खांदे हैं। क्यों, जो जिस वेले इस जीव ने नाम विसारिया, इसकी जिहड़ी शरीर रूपी भीत सी, पाव कंध सी, वो टह पई। क्यों, जो जिहड़ा मन इसने श्री सतगुरु जी दे चरणा नाल लावणा सी, वह इस जीव की सियाणप करके डोलन लग पिया। यह गल इस जीव पासों अनीत होई, भाव नीतिपुन्ना होई, क्योंकि संसार दी जेड़ी झूठी प्रीत सी, वह इस जीव ने त्रोड़नी सी। जे श्री सतगुरु जी दे चरणा नाल लावणा सी, जो इस जीव ने इस तरह ना कीता, कामियां ते क्रोधियां दे जेड़े गुण हन, ये बिख रूपी जहर इस जीव नाल बजर पार लगा होया है। सो नाम तो बिना इस जीव दा किस तरह शुभचार हो सके। क्यों, जो इस जीव दा जेड़ा शरीर रूपी घर है, यह रेत दा घर समझो, क्योंकि की पता है जो केड़े वेले बिनस जावे। क्यों, जो इस जीव दे अंदर परम रूपी बुद्ध बुदे घूमण केरियां पा रहे हैं। जेकर नाम तो बिना है जीव इस संसार तो खाली चला गया, तो फिर माता दे गर्भ विच इस जीव नू 84 दे चक्कर लाने पे। सो एक नाम ही इस जीव नू छुड़ावण वाला है। क्यों, जो जितनियां रूहां पैदा कीतियां होईयां हन इस नाम दी ही बरकत है। इस वास्ते जितनियां जोतां हन इस नाम दियां दासियां हन, पर ये नाम बिना उपाव तो प्राप्त नहीं हो सकता। सो सारिया उपावां दे सिर उपाव ये है, जो ये जीव पूरे सतगुरु जी दा अपने सिर ते हाथ रखावे। भाव गुरु वाला होवे, सो जिस वेले है जीव श्री सतगुरु जी दे चरण अपने अंदर धारण कर लवे, फिर तो इस कोलों आपे भजन आउंदा है, ते सच्चे सतगुरु जी दी भगती करके इस गंदे जीव दा नाम भगत पै जांदा है। क्यों, जो ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਨਾਮ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਜੋ ਬਿਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਪਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂ ਖਾਣੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋ ਕਰ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਕਰ ਇਹ ਭੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਸੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਹੋ, ਗਾਛੋ ਭਾਵ ਵੰਝੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੋਹਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕਰ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਟੈਕ ਕਰ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਕਰ ਖਲੋਏ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਸੋ, ਤਾਤੀਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਏ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪਸਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਣ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਤ ਤਰੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੈਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
हुण तू साडा सच्चा मालक है ते असी तेरे चरणा दियां दासियां हाँ। साडे ते हुण अपने नाम दी दात कर तां आप तां अपसरा श्री सतगुरु जी तो नामदान लेकर राजा वल गईयां तां ओ अपसरा श्री सतगुरु जी तो नामदान लेकर राजा वल गईयां। सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सुखी मन वजिया वधाया राग रतन परवार परियां सबद गावन आईया सबदोत गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किचे जिस दे सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे सबद घनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया सदा मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरवे जिस दिया ए वडियाईया कह नानक सुनो संतो सबतरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांच सबतित कार सभागे सबद वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत उद्वास कीते काल कंटक मारिया दुर्कर्म पाया तू जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुको आतित घर अनद वाजे अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रया पर पूरे बिनवंत नन गुर चरण गे वाजे अनहर तुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी नाल तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ न जाने मेरा सतगुरु तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक जी लई त्याए फिर अंगद ते गुर अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय श्री हर किशन त्याईए जिस डिठे सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नोनिद आवै ताए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी
सब थाई होए सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब जी सिमरिए जिन धर्म दा सच्चा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता साहिब जी तन तन सतगुरु राम सिंह साहिब जी जिना नाम दिया वरताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरणी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास साहिब जी सिमरिए जो अंते हुए सहाय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी सिमरिए जो अंग संग होवे जी सहाय। अंतर्यामी सतगुरु जी हाजरा हजूर हो जाए राज हूर हो सर्व कला भरपूर हो। कट कट दे जानन हार पाशाह जी अमृत वेले तो आप जी दे सचखंड दरबार ते दीवान सचे ने। सजे हुए दीवान कार सुखमनी साहिब जी के पाठ जी की अरदास। नाम सिमरन चार श्री अखंड वर्निया साहिब जी की अमृत वेले तो आरंभता हुई है प्रवाह चल रहा है। दो श्री आप जी दे बख्श है गुरु उपदेश जी दी दो नाम सिमरन जी दी प्रवाह चल रहा है। सो प्रांत तन तन सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी दे जीवन चित्र जीवन इतिहास होया है सच्चे पातशाह जी दी अरदास। उपरंत गुरु उपदेश जी दे रटन जी दी अरदास। छे पौड़ियां आनंद साहिब जी के पाठ जी की अरदास। अखर वादा काटा पुल तुक चुक माफ करनी बाणी अपने सचखंड दरबार परवान करनी। बाणी दा पाव आई हुई सात संगत जी दे हिरदे विच बसाना। दातार पिता जी मेहरा दे मालिक बख्शियां दे दाते। आप जी दे हुकम दे अंदर चार पहर रात्रि अते अमृत वेला सुख न व्यतीत होए ने। आप जी दा धन्नवाद कर दे हां। दिन चढ़िया है आप जी नू पावे ता चार पहर दिन सुख न व्यतीत करां। नाम जपन बाणी पढ़न दा बल बख्शना राहा पेंडे मंजिल मकाम सहायता बख्शनी। किरत कमाई विच बरकत पानी आदियां व्यादियां तो रखना खसमाना करना। अमृत वेले उठन दी दात नाम जपन बाणी पढ़न दा बल। सात संगत जी दी सेवा बख्शिश करो जी। सात संगत जी दी अरदासां प्रवान करो जी। सात संगत जी दी हाजरियां प्यार प्रवान करो जी। आप जी दा महावाक है कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए। कारज दे सवार सतगुर सत्साखिए। संता संग निधान अमृत चाखिए। पै पंजन मेहरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए। साखी हो के सात संगत जी दे कारज करो जी। वृद्धि प्रतिपालना करो जी। तन तन सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी हुण आप जी दे पुत्र सच्चे पातशाह जी दा सवारा साहब होएगा। आप जी कृपालता करनी कृपा करनी सच्चे पातशाह जी अपने निज स्थान ते जाण दी कृपालता करनी। सात संगत जी नूं खुशियां बख्शनियां जी सच्चे पातशाह जी। रोल ते बहने वाले ने सच्चे पातशाह जी सिर ते बख्शिश भरा मेहर परात रखना चरणा नाल जोड़ना। अगे भी सच्चे पातशाह आप जी कृपा बढ़ाई रखना जी। हुण आप जी सच्चे पातशाह जी अपना सोहना हुक्मनामा अपनी साध संगत जी नूं बख्शो जी। हुक्मनामे ते चलण दी हिम्मत बल बख्शो जी। आप जी दा ओट आसरा लै के सच्चे पातशाह जी रखे हुए सहज पाठ साहिब जी दी अरंभता भी होनी है। आप जी कृपा करनी आग्या ते प्रवानगी बख्शनी। पाटी सिंघां दे सिर ते मेहर भरा बख्शिश पर हाथ रखना शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी हिम्मत बल बख्शनी जी। आप जी दी बख्शी हुई दाता चौकड़ा प्रसाद दी देख हाजिर है। आप जी दी दर परवान होवे जी। आप जी दी दर परवान होया प्रसाद आप जी दी साथ संगत च वरते जी। से ही गुरमुख प्यारे मिलो जिना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चित आवे। नानक नाम चढ़ दी कला तेरे बोले तो निहार
अपना जियो साध की तूड़े करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा पागी भाइये साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिगन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाके ओट गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया ओट गई जी सर्वा दरियाया सर्व सुख सतगुर संग ते पाया तारे आया जहान ले आया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन के आ तिन जम नेड़ ना आया तारे जहान ले आया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन के आ तिन जम नेड़ ना आया तारे जहान ले आया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन के आ तिन जम नेड़ ना आया जिन्नी तुदनो तन के आ तिन जम नेड़ ना आया मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तीरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तीरे तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पे दरस पेखे माथे परो रवाल रस रस गुण गाऊं ठाकुर के मोर हृदय बसो गोपाल नेत्र पुनीत पे दरस पेखे माथे परो रवाल रस रस गुण गाऊं ठाकुर के मोर हृदय बसो गोपाल तुम तो राखन हार दयाल सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुम रे हो महा आनंद मंगल रूप तुम रे बचन अनूप रसाल हृदय चरण सबद सतगुर को नानक बांधे ओ पाल महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण सबद सतगुर को नानक बांधे ओ पाल भूले
ਅਕਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ।